गाइज ये है ऑल न्यू ब्रेजा 2022 LXi वेरिएंट। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्टर में आपको हेलोजन वाली लाइट, ग्रीन वाइजर और ये वाली पैटर्न का डाला है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको टेक्सचर मिलेगा। 5x5 डोर इंक्लूडिंग आपको बूट का सारे और जो एंड्रॉइड गाइस देख सकते हो फ्रेम में कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। तो सोहन भी अपने पास मारुति के क्या क्या एक्सेसरीज मिलते हैं, आप कैसे प्रोवाइड करते हो व्यूवर्स के लिए, मतलब जानना चाहूंगा मैं। देखो जी हमारा मेन काम है होलसेल का, हम होलसेल रेट पे सारा माल देते हैं। बैक टू द सुधीर रिव्यू चैनल। आज अपने पास है 2022 मारुति ब्रेजा बेस वेरिएंट जो कि LXi है और LXi को फुल मॉडिफाई कर रहे हैं और इसे बेस टू टॉप नहीं बना रहे हम लोग, बेस टू टॉप नहीं बना रहे, लेकिन इसमें जो काम की मॉडिफिकेशन है, जो बिल्कुल गाड़ी लेते ही नीडफुल मॉडिफिकेशन है, वो वाली काम कर रहे हैं। तो दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है और ये काम होगा गाइस बजट में, और जो काम हो रहा है वो हो रहा है साईं कार एसेसरीज पे। तो फटाफट से दिखाते हैं ब्रेजा में क्या क्या मॉडिफिकेशन चल रहा है और मॉडिफिकेशन होने के बाद जितनी एसेसरीज हमने लगाई हैं उसके बाद ब्रेजा की कैसी लुक निकल के आ रही है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको ब्रेजा की फुल मॉडिफिकेशन। तो गाइज ये है ऑल न्यू ब्रेजा 2022 LXi वेरिएंट और इसे कर रहे हैं फुल मॉडिफाई, जो कि नेसेसरी जो यूजफुल फीचर्स है वो हो रहे हैं मॉडिफाई। अभी LXi का फ्रंट लुक देख सकते हो बेस वेरिएंट से, इसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिलने लगा है, लेकिन इसका आपको एक बार हेडलाइट का रिस्पॉन्स चेक कराऊँ, नीचे आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्टर में आपको हेलोजन वाली लाइट येलो वाली, और ये मिल जाता है आपको हेलोजन के, इसमें LED नहीं आता। इसे अपर वेरियंट में जाओगे तो आपको मिलेगा, ये LXi बेस वेरिएंट है। तो ये देख सकते हो, तो ये है अपनी साइड से व्यू ब्रेजा की LXi की, और एक बार साइड से देख सकते हो गाड़ी सीधा शोरूम से शॉप पे आई है मॉडिफिकेशन के लिए। और अभी इसमें बहुत सारे एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशन बाकी है, लेकिन आज की जो नीडफुल मॉडिफिकेशन है, जो काम की चीज़ें वही इंस्टॉल हो रही हैं, तो वो दिखाऊँगा। और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इंटीरियर में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार रियर में दिखाता हूँ, साथ के साथ डोर बिडिंग अभी लगा रहा है शाहरुख। तो ये सारी मॉडिफिकेशन चल रही है इंटीरियर में, बहुत सारे काम चल रहे हैं इंटीरियर में। देख सकते हो एंड्रॉयड का पैनल खोल दिया गया, एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन चल रही है। तो एक बार कंप्लीट मॉडिफिकेशन होने के बाद ओवरव्यू दिखाऊंगा। और ये वाली फ्रेम देख सकते हो गाइस, ये है अपनी ग्लॉसी ब्लैक, ये ब्रेजा के लिए स्पेशल, न्यू ब्रेजा के लिए। तो ये वाली फ्रेम देख सकते हो, बहुत लोगों को मैट ब्लैक में मिलता है, लेकिन ये कस्टमर का प्रेफरेंस है कि मेरे को ग्लॉसी ब्लैक चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। तो ये वाली फ्रेम भी डाल रहे हैं और साथ के साथ एंड्रॉयड स्टीरियो कैमरा डल रहा है। और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होगी सब चीज़ दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए डोर वाइजर एक्सटीरियर में आपको लगता हुआ दिखेगा एक्सटीरियर का, इंटीरियर में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी दिखाएंगे कि इंटीरियर में हम टोटल काम क्या कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है वो रहा है अपना साईं कार एसेसरीज पे, रेन वाइजर और ये वाली पैटर्न का डाला है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको टेक्सचर मिलेगा और ऊपर में ये लाइन क्रोम की मिल जाएगी। तो ये वाली टेक्सचर वाला एक थोड़ा सा नया आया हुआ है डोर वाइजर, और ये इंस्टॉल हुई अपनी ब्रेजा में। और ये देख सकते हो इसकी लुक, ये अपना एक्सटीरियर में हो गया। साथ के साथ यहाँ पे विंडो गार्निश डलने वाला है, और अभी का कंडीशन देख सकते हो ये ब्लैक में आपको पूरी गार्निश मिलेंगी, और विंडो गार्निश आपको रूफ पे है जिसकी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। ये लोअर विंडो गार्निश भी इंस्टॉल करने वाला एक्सटीरियर में, अभी फुल काम चल रहा है। 5x5 डोर इंक्लूडिंग आपको बूट का सारे, 3M की डैम्पिंग चल रही है, डैम्पिंग शीट दिखाऊँ आप ये देख सकते हो इसके 3M ब्रांड की, और ये डबल लेयर की डैम्पिंग है, ये रियर का देख सकते हो, बाकी की सारे डोर में हो गई हैं, डबल लेयर है ना डैम्पिंग। तो एक बार डोर को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाता है, एक बार नॉइज सुन सकते हो। तो ये है इसका बेनिफिट, और म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो आपको डैम्पिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे गाइज अपना ऑल टाइम फेवरेट इन्फिनिटी का प्राइमस सीरीज का कंपोनेंट डाल दिया फ्रंट डोर में और रियर में कोएक्सियल। बहुत सारे इसका आउटपुट वीडियो, लेकिन ब्रेजा में भी साथ के साथ आपको एंड्रॉयड के बाद सुनाऊंगा एक। और गाइज ब्रेजा में डाल दिया है रियर पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे देख सकते हो, ये लगेज कवर भी बोलते हैं, ये वाली इंस्टॉल कर दिया मारुति जेन्युइन, और ये काफ़ी लाइट वेट है और साथ में आपको थ्रेड भी मिल जाता है जो कि आप इसे यहाँ अटैच कर दोगे, तो ये वाला काफ़ी अच्छा रहता है, आप लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है और शोरूम से भी लगवा सकते। और गाइज जो रिवर्स में कैमरा डाल रहे हैं वो है अपना मेगासोनिक का मूविंग वाली, जिसमें गाइडेड लाइन आ जाता है और ये नंबर प्लेट के पीछे लग जाते हैं, अलग से होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो गाइज देख सकते हो अभी एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन चल रही है, और ये वाली जो कपलर देख रहे हो ये एंड्रॉयड की कपलर है और आपकी ओरिजिनल कपलर को नहीं छेड़ते हैं। तो ये हो रहा कपलर टू कपलर काम, और जो एंड्रॉयड गाइज देख सकते हो फ्रेम में कुछ ऐसे आपको दिखने वाला है, और बैक साइड से देखोगे एंड्रॉयड की
ब्रांड की बात करोगे तो ये है अपनी अल्फा वन, आपको यहाँ लोगो दिख रहा होगा, अल्फा वन की ब्रांडिंग दिख जाएगी। और ये 232 की है या 216 की, एक बार इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। तो ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। और ब्रेजा में गाइस देख सकते हो आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में माउंट कंट्रोल नहीं मिलता, तो इसमें मारुति जेन्युइन माउंट कंट्रोल लगाने वाले हैं और ये आपके स्टेयरिंग को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। और बेस वाले वेरियंट में आपको ये इस तरह से कुछ मैनुअल मारुति ब्रेजा 2022 के लिए माउंट कंट्रोल, और ये देख सकते हो मारुति का जेन्युइन पार्ट है, यहाँ पे पार्ट नंबर बैच नंबर सारे डिटेल आप देख सकते हो। और ये माउंट कंट्रोल आप लगा सकते हो ब्रेजा में। एक दूसरा ऑप्शन आता है जो कि राइट में क्रूज होता है, वो सिर्फ शोबाजी के लिए वो लगा सकते हो। अभी ब्रेजा की इंस्टॉलेशन ये वाली चीज़ हो जाएगी माउंट कंट्रोल की, और एक बार दिखाना चाहूँगा, क्लियरली देख सकते हो बैच नंबर मारुति जेन्युइन है ये, इसका हब और रिंग बोलते हैं। और ये आपका कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपके साउंड कंट्रोल के लिए होगा, जो ऑडियो माउंट कंट्रोल बोलते हैं वो है। और गाइस साथ के साथ इसमें हम लोग डाल रहे हैं इन्फिनिटी का 4 चैनल एम्पलीफायर, और देख सकते हो ये वाली बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेटेड है, और ये 1000 वॉट वाली प्राइमस सीरीज का ही है। तो इसमें एक ब्रांडेड काम हुआ है, जो कि इन्फिनिटी का एम्पलीफायर लगा दिया, इन्फिनिटी का कंपोनेंट कोएक्सियल सारे इन्फिनिटी से रिलेटेड ही रखा है। तो इसका तो आउटपुट आप लोगों को दिखाना बनता ही है, क्योंकि ये तीनों का सेटअप बन गया। और गाइस जो हम हेडलाइट में अपडेट कर रहे हैं वो HID हाइपर ड्राइव ब्रांड देख सकते हो, 75 वॉट की है, और बॉक्स की काफ़ी अच्छी पैकिंग है। और इसका भी टेस्टिंग होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग गाड़ी में लगा के देखा। हालांकि डे का टाइम है तो आप काफ़ी अच्छे से आउटपुट रिलेट नहीं करोगे, लेकिन इसका टेस्टिंग एक मैं प्रोजेक्टर के साथ दिखाऊंगा कि ताकि आप इसकी आउटपुट डिसाइड कर सकते हो आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक बार इसका ब्लास्टर दिखाऊं कि कैसा है पैकेजिंग, और ये देख सकते हो एक बार ये है इसका पैकिंग, और ये पैकेट में है जी इसका ब्लास्टर। तो एक बार निकाल दो इसको, काफ़ी हैवी सा है, 75 वॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही जाइंट साइज का आपको ब्लास्टर मिलेगा। साथ में यहाँ पे छोटा सा कैनवास भी दिया हुआ है। तो ये HID का सेटअप के लिए इसका ब्लास्टर है, बहुत ही हैवी है। तो ये है इंटीरियर में अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और डोर की सारी डैम्पिंग हो चुकी है इंटीरियर में बताना चाहूँगा। और यहाँ पे जो फ्रंट डोर है वहाँ पे लग गया गाइज इन्फिनिटी का कंपोनेंट, जो कि 320 वाली प्राइमस सीरीज है वो लगाया, और रियर डोर में कोएक्सियल डाला है। और साथ के साथ गाइज ब्लैक एंड ब्लू का जो अपना स्कफ प्लेट है, वेलकम प्लेट आप लोग बोलते हो, वो डाला है। और देख सकते हो ब्लू एलिमिनेशन कितनी प्यारी सी लग रही है, और काफ़ी बढ़िया लुक आता है इसका ब्लू का, एक स्टैंडर्ड लुक आता है। एक बार मैं रियर का दिखाऊँ, और ये देख सकते हो ये वाली रियर की है। और रियर वाले जो डोर है गाइज उसमें हमने डाला है कोएक्सियल, जो कि सेम इन्फिनिटी का है, और इसका कोएक्सियल का दिखा दूँ, ये अपना कोएक्सियल वाली बॉक्स। और जो कि कोएक्सियल होता है वो होता है अपना 220 वॉट का, और जो कंपोनेंट डालते हैं वो 320 वॉट का होता है, प्राइमस का ही दोनों सीरीज है, ये वाली हमने डाला है। और जो गाइज आपको पहले एंड्रॉयड का मिलता फ्रेम वो देख सकते हो ये है, और अभी ये अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला लगा दिया है, तो ग्लॉसी ब्लैक का लुक देख सकते हो। और ये पहले आपको ऐसा डमी सा मैट ब्लैक में मिलेगा, तो काफ़ी डिफरेंस है आपको देख के समझ आ रहा होगा, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये वाली क्वालिटी आप लगवा सकते हो ब्रेजा में, ये देख सकते हो। और इवन आपको यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स का भी, यहाँ पे जो सनग्लास होल्डर है उसका भी ऑप्शन आता है, तो वो भी करवा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे 7D साथ के साथ ब्रेजा का इंस्टॉल किया है, इसका प्लेट देख सकते हो ब्लू, और साथ के साथ ये अपना 7D की फिनिशिंग दिखाऊँ आपको, देख सकते हो एज टू एज की फिटिंग आती है, आपको 90% एरिया कवर मिल जाएगा, तो आपके डस्ट और वाटर जाने के चांस नहीं मिलेगा। और ये वाली जो 7D है गाइज फुल वेलक्रो में है, और जो बटन टूटने का कंप्लेंट्स आता था वो नहीं है, तो बार बार मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ये लगवा लो। और कुछ आते अपने हैवी बटन में वो देख सकते हो, तो एक बार इसकी फिनिशिंग देखो। और ये जो थ्रेड देख रहे हो डुअल है, डुअल स्टिचिंग वाली है, और ये कलर का ऑप्शन है, आप अपनी गाड़ी के इंटीरियर के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो रेड एंड ब्लैक का। तो और ये देख सकते हो गाइस लेटेस्ट अपनी 7D में पॉकेट, अगर कोई टूल्स या कुछ मोबाइल चार्ज करते हो, अगर मोबाइल रखना चाहते हो यहाँ पे तो ये भी डाल सकते हो। तो ये पॉकेट वाला भी ऑप्शन अभी लेटेस्ट में है। एक बार अभी म्यूज़िक का आउटपुट सुनाते हैं, जो कि इन्फिनिटी का एम्पलीफायर कंपोनेंट और स्पीकर हैं। तो गाइस
गाइज ये थी अपनी मारुति ब्रेजा बेस मॉडल और उसे कर दिया टॉप में। और ये जो काम हुआ गाइज वो हुआ था साई कार एसेसरी पे। तो एक बार इस ब्रेजा की कॉस्टिंग जानते हैं कि कितने में ये ब्रेजा तैयार हो गई है, जो कि नीडफुल एसेसरीज जो मैंने पहले बताया था वो जितने मैंने अभी वीडियो में दिखाया उसको रिलेटेड कितने में तैयार कर दी है साई कार एसेसरीज वाले ने। तो चलते आपको बताते हैं इसके क्या कॉस्ट है, कैसे इन्होंने तैयार किया है। तो गाइज हमारे साथ हैं सोन भैया साई कार से। सोन भैया कैसे हो? बढ़िया सर। तो सोन भी आपने ब्रेजा तैयार की है, अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं कितनी कॉस्टिंग में ये वाली जितनी हमने एसेसरीज दिखाई है कितने कॉस्ट में हो जाती है तैयार ब्रेजा? जो अभी आपने देखा है उसमें डैम्पिंग है और ये सारे सामान लगा के आपको तकरीबन 35,000 रुपये। 35,000 में आपने ब्रेजा तैयार कर दी। और अपने पास मारुति के क्या क्या सामान मिल जाता है? मारुति के जनरल पार्ट आपको सारा मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा ब्रेजा के। और एक बार भाई सब ने नहीं लगवाया है, स्टीयरिंग रिमोट भी है हमारे पास, बाकी काफी आइटम इसका हमारे पास जनरल। तो ऑलरेडी हमने वो वीडियो में दिखाया। तो सोन भी अपने पास मारुति के क्या क्या एसेसरी मिलते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हो व्यूवर्स के लिए, मतलब जानना चाहूंगा मैं। देखो जी हमारा मेन काम है होलसेल का, हम होलसेल रेट पे सारा माल देते हैं, बाकी जो लेबर का चार्जेस है और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। और अपने जो वीडियो से जो व्यूवर्स आएंगे उनको होलसेल वाले रेट पे कुछ डिस्काउंट होगा क्या? मैं होलसेल रेट ही देता हूँ, होलसेल रेट पे ही देता हूँ, होलसेल रेट ही देता हूँ। हमारा रिटेल का ये नहीं है कि एक कस्टमर आ गया तो उसको रिटेल का, नहीं होलसेल रेट पे काम, होलसेल रेट ही देता हूँ। तो गाइज आपको दिखाया ब्रेजा में जो भी चीज है, कोई भी क्वारी हो तो सोन भैया का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो ये सिस्टम है ना, एक इसमें मैट आता है और एक ग्लॉसी ब्लैक जिसको लॉसी कहते हैं, ये बिल्कुल, ये देखो ये कस्टमर का डिमांड था तो आपने मंगवाया है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है गाइज। तो अगर वीडियो पसंद आएगी या ब्रेजा से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो कॉलिंग टाइम क्या रहेगा एक बार? कॉलिंग टाइम सुबह 11 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक कॉलिंग टाइम। तो गाइज कैसी लगी ब्रेजा की मॉडिफिकेशन कमेंट्स करके जरूर बताना, और कोई भी क्वारी हो और कोई भी ब्रेजा से रिलेटेड एसेसरी जो लेना हो तो आप आ सकते हो करोल बाग में साई कार एसेसरीज पे, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देना ताकि कार से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।